नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी ये करेले की फसल है और अभी ये लगभग हमारी 2 माह की हो चुकी है, यानी कि नर्सरी के सही अब हार्वेस्टिंग की स्थिति में आ चुकी है। इसमें छोटे फल लग चुके हैं, यानी लगभग 8 से 10 दिनों में हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो समस्याएँ आती हैं वो अधिकतर फ्लावरिंग स्टेज के बाद ही आती हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि फ्लावरिंग स्टेज के बाद आपको आपकी फसल के प्रति ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। आज जैसे हम यही कवर करेंगे कि किसी भी फसल, खासकर हम आज करेले की फसल के बारे में जान रहे हैं कि करेले की फसल में जब फ्लावरिंग स्टेज आती है हमारी, तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, क्या प्रबंधन करके रखना पड़ता है। तो नमस्कार, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, करेले की फसल पर 2 प्रकार के फूल आते हैं, ठीक है। एक ये आता है हमारा, ये है नर फूल, ठीक है। इसमें आप पीछे देखेंगे, इसमें फल नहीं है, तो समझ लें आप कि ये नर फूल है, हमारा मादा फूल है, ठीक है। इस तरीके से हम नर और मादा फूलों को पहचान सकते हैं। आपकी फसल में जितने मादा फूल होंगे आपकी हार्वेस्टिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज इस वीडियो में कि हम 5 पॉइंटों के आधार पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट होगा दोस्तों, वही एनपीके प्रबंधन, दूसरा होगा पोषक तत्व प्रबंधन, तीसरा होगा स्टेकिंग और छटाई, और चौथा होगा दोस्तों फंगस प्रबंधन, पांचवा होगा दोस्तों कीट प्रबंधन, और वीडियो के अंत में होगी विशेष बात। विशेष बात में आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा स्प्रे का, जिसका इस्तेमाल करके आप इस समय पर जो है खासकर फ्लावरिंग स्टेज पर अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट को जानते हैं कि फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, खासकर इस अवस्था पर हो कि आपके जो फसल पर फ्लावर ज़्यादा हैं और आपका जो फल है वो धीरे धीरे ग्रोथ ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का संयुक्त प्रबंधन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो पौधे की आवश्यकता होती है वो होती है दोस्तों फास्फोरस की, और फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन आपको लगता है। नाइट्रोजन इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बिलवर्गी फसल जब तक आपकी हाइट नहीं लेगी ऊपर तक और उसका फैलाव नहीं होगा, तब तक आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो कम रहेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी हार्वेस्टिंग आती है। तो इस समय पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का विशेष महत्व होता है, तो आपको संयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस को देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको सप्ताह में कम से कम एक बार 12:61 2 kg और 0:050 2 kg और 52:34 जो कि 1 kg आपको अपनी फसल पर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डेप के माध्यम से देना चाहिए। और साथ में आपको जो 52:34 की मात्रा है, आप चाहें तो उसको स्प्रे के माध्यम से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे अगर लेते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलते हैं। और साथ में आप किसी भी प्रकार के टैनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गोदरी डबल, सागारिका वगैरह, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रबंधन, जो कि आप डेप के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को, तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा पोषक तत्व प्रबंधन, यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रेंट में आपका एनपीके 3 होते हैं, जो कि हमारा प्राथमिक होता है जिसे हम मैनेज करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हमें पोषक तत्वों को भी अपनी फसल पर संतुलित मात्रा में देना पड़ता है। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए आपको कम से कम पौधे में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg और बोरान 1 kg ये आपको देना चाहिए। और साथ में जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं हमारे, जिसमें कि सारे पोषक तत्व होते हैं, उनको 15 दिन में कम से कम आपको 500 ग्राम स्प्रे के रूप में और 1 kg आपको ड्रिप के रूप में देना चाहिए। इससे आपका जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो हो जाता है। और इसके बाद फिर आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट है, खासकर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बेलवर्गी फसलें होती हैं आपकी, उनमें सभी में मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आप देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की यदि कमी होती है आपकी फसल पर, तो आपकी जो फसल है वो हरी नहीं रहती है, ग्रीननेस उसमें नहीं रहती है, खासकर ऊपर के जो पत्ते होते हैं उन पर देखें आपके पीलापन आता है। उसकी नसें तो हरी रहती हैं मगर बीच का जो भाग होता है वो हमारा पीला होता है। तो कम से कम 15 दिनों में एक बार आपको क्या करना होगा, 10 kg मैग्नीशियम सल्फेट को अपनी फसल पर ड्रिप के माध्यम से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों पोषक तत्व को प्रबंधन कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा स्टेकिंग और छटाई। अब आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है, कि नीचे से आप देखिए इसमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे कि पत्तियाँ इसमें कम है भी। तो इसके लिए हमें क्या है कि नीचे की जो पत्तियाँ हैं इसे हमें अगर संभव हो सके तो इसे हमें छांटनी पड़ती है, ठीक है, ताकि आपका जो पाउडरी मिल्डी है और डाउनी मिल्डी है ये ना हो। और दूसरा ये कि जो मेन ब्रांचेस होती हैं इसमें एक पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 रखनी चाहिए, और इसके बाद जितनी भी ब्रांचेस होती हैं हमें उनको हमें निकालना पड़ेगा। नहीं तो होता यह है कि नीचे से जो गुच्छे बनने हमारे स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से जो है हम इनको निकाल के हमें फेंकना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 रखनी है, 3 ही बेल को आपको जो ऊपर तक चलाना पड़ेगा। पर यदि आपकी जो ब्रांचेस साइड ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ये ब्रांचेस आप देख सकते हैं, इसको आप ना छेड़ें, इसको क्या करेंगे, इसको चलने दें आप, ठीक है। और दूसरा ये कि जो टॉप की हमारी बेल होती है,
जहाँ पर हमें टॉप में बेल आती थी, इस तरीके से आप देखें कि इसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इसकी जो आपकी कॉम होती है इसको आप छटाई कर दें, तो इससे होगा ये कि नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो आपकी बढ़ेंगी, और जब ब्रांचेस बढ़ेंगी तो उस पर फ्लावर अच्छे आएंगे और फल भी आएंगे, और ख़ासकर मादा फूल इसमें आते हैं, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे ये हमारी जो बेल है ये अभी हाइट तक नहीं गई है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो हाइट में हमारी जा चुकी है, जैसे आप देखें ये, तो ये इसको हम छटाई कर देंगे इसकी। तो इसकी जो एनर्जी है, सीधा सा मतलब ये होता है कि जो एनर्जी इसकी बढ़वार में जा रही थी वही एनर्जी हमें डाइवर्ट करना है कहाँ, फैलाव में। तो जब हम ये करते हैं तो हमारी जो साइड ब्रांचेस है इसमें एनर्जी मिलती है और ये ग्रोथ लेती है, और फिर फैलाव हमारी बेलों का पूरा अच्छे तरीके से हो जाता है, नहीं तो ये सीधी सीधी भागते रहती है और चौड़ाई इसकी नहीं हो पाती पौधों की। तो इस तरीके से आप दोस्तों स्टेकिंग प्रबंधन और साथ में आप जो है छटाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो छटाई है वो करनी है नीचे, यानी कि ज़्यादा आपकी पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, इसकी हमारी अभी छटाई बाकी है। चौथा पॉइंट दोस्तों फंगस प्रबंधन। नीचे की तरफ से अधिकतर डाउनी मिल्डी और पाउडरी मिल्डी हमारी होती है, लेकिन उसका एक समय निश्चित ये होता है कि जब भी आसमान पर इस तरीके से आपको बादल नज़र आते हैं और बारिश की संभावना रहती है, उस समय पर हम देखते हैं कि ज़्यादा करके पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी आती है। इसलिए क्या करें, सबसे पहला काम तो ये है कि आप पत्तियों को छांट के रखें, एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है तो फिर आपको ये समस्याएं नहीं आती हैं। फिर भी इसके लिए हमें फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आसमान में आपको बादल इस तरीके से नज़र आते हैं तो फिर आप क्या करें कि आप जैम प्रो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं इसमें प्रेमिनेंट रूप से, और आप चाहें तो इक्वेशन प्रो को भी प्रेमिनेंट रूप से 200 ml प्रति 200 लीटर की टंकी पर 1 एकड़ पर इसका स्प्रे आप करके रखते हैं, तो आपकी जो फसल है वो डाउनी मिल्डी से काफ़ी हद तक काफ़ी सुरक्षित हो जाती है। साथ में आप यदि पाउडरी मिल्डी की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्डी के प्रबंधन के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि सप्ताह में एक बार 10% दूध का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जो फसल पर पाउडरी मिल्डी की समस्या काफ़ी कम आती है, और ड्रिप के माध्यम से इसमें सल्फर भी दे सकते हैं तो जो ज़मीन पर जो फंगस उपलब्ध होते हैं पाउडरी मिल्डी के वो समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आप चाहें तो लिक्विड सल्फर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में आपको करना पड़ेगा। उसकी जो मात्रा है 1 ml प्रति लीटर हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ पर आपको 200 ml इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी रोक जाती है। पांचवा पॉइंट दोस्तों कीट प्रबंधन। दोस्तों व्हाइट फ्लाई ऑर्थिस को रोकने के लिए आपको समय समय पर कम से कम सप्ताह में एक बार किसी भी रस चूसक कीट के लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा। जब आप स्प्रे करते हैं तो जो इंसेक्ट हैं आपके वो पनप नहीं पाते हैं, और आपकी जो फसल है वो इस तरीके से साफ होनी चाहिए, यानी कि इस पर जो है कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर कचरा होता है तो वो जो हमारे कचरे हैं वहाँ पर मेजबान हमारे जो कीट होते हैं वो वहाँ पर रुके रहते हैं। आप स्प्रे क्योंकि इन फसलों पर करते हैं, इन पत्तियों पर करते हैं, मगर आप जो बीच में जो मान लीजिए आप ये कचरा है यहाँ पर स्प्रे आप नहीं करते तो आपके इंसेक्ट जो है यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाते हैं और फिर बाद में फिर ऐसे अटैक करते हैं। कुकुम्बर क्रॉप जितनी भी होती हैं जैसे खीरा है, लौकी है, करेला है, इन पर हम देखते हैं कि एक फल मक्खी का अटैक होता है, और वो जो फल मक्खी है जैसे हमारे ये फल है यहाँ पर डंक मारते हैं और अंदर इसमें अंडे दे देते हैं, बाद में फिर ये अंडे जो है ग्रोथ लेकर एक इल्ली बन जाती हैं और इल्ली आपके फल को जो है सड़ा देती है पूरे तरीके से, और जो फलों का साइज है वो भी आपका टेढ़ा हो जाता है। इसके लिए आपको जो है फल मक्खी के लिए आपको यदि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है तो आप इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बिल्कुल भी सटीक उपचार है वो है दोस्तों फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जैसे प्रति एकड़ के साथ बात करते हैं तो प्रति एकड़ में आप कम से कम 8-10 आप लगा लें, बहुत ही सस्ते हैं, लगभग 70 से 80 रुपये में एक फेरोमोन ट्रैप आपको मिल जाता है, तो हिसाब से 700-800 रुपये में आपका 1 एकड़ कवर हो जाता है। इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो जो फल मक्खी होती है वो उसमें अटैक होकर अंदर मर जाती है, ठीक है। तो जो हमारा मेन जो मक्खी है वो अगर मर जाती है तो आपकी फसल पर इल्लियाँ नहीं होंगी। यदि इल्लियाँ हो चुकी हैं तो आप इसके लिए फिर सोलोमैन जो कि बायर कंपनी का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आप इमामेक्टिन बेंजोट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी को कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम अपनी करेले की फसल को फ्लावरिंग स्टेज पर सही सुरक्षित रख सकते हैं, और ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के लिए और अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से हमें कार्य करने पड़ते हैं। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बता दूँ एक स्प्रे के बारे में जो कि कॉम्बिनेशन है, टोटल कॉम्बिनेशन है, इसमें आप ग्रोथ भी अच्छे से लेंगे और साथ में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी कॉम्बिनेशन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अलिका 100 ml,
साथ में जैम प्रो 400 ml, और इसके साथ आप चाहें तो कॉन्टेक्ट फंगीसाइड में एक आप ले सकते हैं कोमानेल, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, और इसके साथ में फिर आपको लेना पड़ेगा ग्रोथ के लिए 52-34, खासकर फ्लावरिंग स्टेज के लिए, और साथ में गोदरेज का डबल। गोदरेज का डबल आप डालते हैं तो आपकी फसल पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है बढ़िया आती है। तो और सबसे एक विशेष बात यह है कि आपको फेरोमोन ट्रैप तो सर, लगाना यदि ही आप है प्रिवेंटिव रूप इसका। से काम करते हैं तो आपकी जो फसल है वो बीमार होने के पहले ही आपका इलाज हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसमें हर फिटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया मिलती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। यदि करेले के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हमने स्टार्टिंग से नर्सरी से लेकर सारा हमने इसमें दिया हुआ है। आपके 2 से 3 वीडियो आ चुके हैं करेले पर, और आगे भी हम जो है करेले की वीडियो इसी तरीके से देते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।